गुड आफ्टरनून। यदि आपके दिल से निकली हुई बात है, आपका गहरा सपना है, तो इसको कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एंड ऑलवेज राइट इन बोल्ड लेटर्स कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसको पाना है, मुझे इसको हासिल करके ही दम लेना है। जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। मुझे अचानक फिर से एक घटना याद आई। एक बार एक स्टूडेंट, बहुत सीरियस स्टूडेंट था, बड़ा पढ़ाई कर रहा था, एक महीने पहले एग्जाम से पहले मिलने आया, रो रहा था और बड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। बोला, सर, मैंने क्या, क्यों आया, क्या हुआ? बोला, सर, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। मैं घबरा गया, आखिरी वक्त से क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोला, सर, नहीं नहीं सर, मुझे आप गलत सोच रहे, सुसाइड उसाइड नहीं करूंगा मैं, लेकिन सर मैं एक्चुअली एग्जाम छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा, क्यों छोड़ रहे हो? कहते, सर, एक्चुअली मुझे पता चल गया कि मैं IAS नहीं बन सकता। मैंने कहा, कैसी पता चल गया तुमको? सपना देखा, भविष्यवाणी हुई, ज्योतिषी के पास गया, कैसी पता चला कि सपना कि तुम नहीं बनोगे? बोला, सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है, वो भी साथ में बैठ के तैयारी कर रहा है। एक दिन उसने अचानक मुझे बोला कि तुम प्री मेंस तो पास हो जाओगे, इंटरव्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ल IAS जैसी नहीं है। कह रहा, जिस दिन से उसने ये कहा है, रोज मैं आईने के सामने जाके खड़ा होता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि मेरी शक्ल तो IAS जैसी है ही नहीं, तो मैं तो बेकार है पढ़ना। और एक महीना हो गया, ना तो मैं ढंग से खाना खाया हूँ, ना सोया हूँ, और रोज ये सोचते रहा तो मेरा तो होगा ही नहीं, तो अब मैं पढ़ ही नहीं सकता, सर मन ही नहीं कर रहा, तो मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि यदि मैं, अब ये चुनौती आ गई सक्सेस गुरु के पास कि मैं इसको क्या बोलूँ। सोचा कि भाई नहीं, तुमको दोस्त गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये सब करें। मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने अचानक पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुम बनना क्या चाहते हो? बोला, सर मैं IPS बनना चाहता हूँ। मैंने कहा, करेक्ट, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारी शक्ल IAS जैसी नहीं है, IPS जैसी है। तुम्हारी शक्ल जो IPS जैसी है, तुम्हारी जो शक्ल है वो IPS जैसी है। ये जैसे ही मैंने उसको कहा, एकदम मुस्कुराने लगा, एकदम आंसू से पोंछ करके रेडी, क्या सर, सच? बिल्कुल सच, अभी जाके तुम दोस्त को कहना कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी शक्ल IAS जैसी नहीं, IPS है, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, और मिश्रा सर भी यही कह रहे हैं। बोला, सर मैं ऐसा ही करूंगा, मैं जा रहा हूं, और आज के बाद मैंने कहा उसका सुनना मत, कहना जब भी बोला IAS, वो बोले चिल्ला के बोला IAS, रोज बोलना। वो गया, उसने बोला मिश्रा सर लगता है हिप्नोटाइज करके भेज दिया, उसने मजाक बना के छोड़ दिया उसको, बट ही गवेंट एंड रॉट, अपने अपने नाम के आगे लिख लिया उसने IPS, और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू की। आपको जान के हैरानी होगी कि वो लड़का उसी साल IPS बन गया, ही बिकेम IPS सेम ईयर। और जो दोस्त उसका मजाक बना रहा था, वो आज तक प्रीलिमिनरी क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसलिए इसका ध्यान दिलाया कि हो सकता है आपके चाचा, ताऊ, मामा, मामी कोई भी एग्जाम पहले दिए हूं IAS का, जैसे बोलोगे, कह रहे मेरा तो हुआ नहीं, तुम्हारा कहां से होगा? आपको कहेगा कि जरा सपना मत देखो, कुछ जमीन पे आ जाओ, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं वाई, क्योंकि ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है UPSC का, कि जब भी कोई कैंडिडेट जाता है तो उसको पूछता है कि भाई वाई डू वॉन्ट टू बिकम IAS। आमतौर पर कई बार कैंडिडेट लड़खड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि क्या बोले ना जवाब दे। कोई कहता है सर ये पिताजी का सपना था। अब UPSC कह सकती है भाई पिताजी ने अपना सपना बदल दिया तो क्या करोगे? भाई अब सपना तो हर माँ बाप का तो सपना होता है कि बेटा बेटी कुछ करे, लेकिन जब तक वो सपना अपना नहीं बनेगा तब तक जो सपने की कोई कीमत नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। दिस ड्रीम मस्ट बी योर ड्रीम, और इसके लिए आपके अपने दिमाग में एक जुनून होना चाहिए, कुछ आंसर चाहिए रोज, कि आप सिविल सर्विसेज की संघर्ष, कठिन परिश्रम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, क्यों करने जा रहे हैं? आज आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं होली, दिवाली, ईद मना रहे होंगे, आपका मजाक बनाएंगे, अरे तुम कहाँ किताब लेके बैठे रहते हो, आंख फोड़ दे रहते हो। लेकिन जब आप वही कल एक दिन कहेंगे कि मुझे पक्का पता था कि तुम्हारा हो जाएगा, वही लोग आपको एक दिन कहेंगे कि जानता है, वही आपको एक दिन आपका अपना आपका विजिटिंग कार्ड लोग को दिखाई देगा कि ये मेरे साथ थोड़ा नालायक था लेकिन निकल गया, पता नहीं किस्मत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आपके ये जुनून जो है, देखना ये है कि आज आप मौज मस्ती में टाइम निकालने वाले हैं या फिर जिंदगी जब खुद भी मस्ती में करने वाले और दुनिया को भी कराने वाले हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक करियर का टाइम है, साल, दो साल, तीन की मेहनत बनती है, आपको इस पे जुनून होना चाहिए कि मुझे इसको पूरा करना है। एक चीज को चार बार पढ़ना ज्यादा समझदारी है, चार किताबें एक एक बार पढ़ के कंफ्यूज करने का कोई मीनिंग नहीं।
सिलेबस को ध्यान से समझना और उसी गाइडेंस के अंदर पढ़ना, बड़ी भारी भरकम किताबों के नहीं, एक चीज़ को चार बार पढ़ना ज़्यादा समझदारी है। चार किताबें एक एक बार पढ़ के कन्फ्यूज़ करने का कोई मीनिंग नहीं। हर सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन के साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन, प्री के मेंस के बार बार देखना, उसके आसपास रहना, उसके हिसाब से अपनी गाइडेंस को तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जिससे आप कनेक्ट होते हैं सिलेबस के बारे में। एंड यू हैव टू सिलेक्ट सम बेसिक बुक्स। आजकल इंटरनेट में भी फ्लडेड है मटेरियल, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ फ्री मिल रहा है तो हर चीज़ को फ्री में लिए जा रहे हैं। अपने आप को जो है तूफान, अपने आप को जो है दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या छोड़ना है। इस एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पढ़ेंगे लगे सब कुछ इंपॉर्टेंट, सब पढ़ना चाहिए। आपको ये भी सीखना है कि व्हाट टू लीव, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, और ये आपको सिलेबस और अपने क्वेश्चन को जो बार बार देखने से आपको बहुत क्लियरिटी आएगी कि व्हाट इज रेलेवेंट और व्हाट इज नॉट रेलेवेंट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेक्स्ट, वो है एज लिमिट। एज लिमिट का कोई लिमिट नहीं, 21 से 32 जनरल कैंडिडेट का भी है, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट को, 2 और जो है एससीएसटी कैंडिडेट को है। आप रेंज देखेंगे 21 से आप 35, 37 ईयर तक का आपके पास टाइम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्सेशन है या टाइम है तो हम लास्ट तक एग्जाम देते रहें। कोशिश करनी है कि पहले पढ़ें और तैयारी करें, नहीं तो ऐसा होगा आप भी एग्जाम देंगे और एक दिन आपका बेटा भी एग्जाम दे रहा होगा। तो इससे बेटर है कि आप ले टाइमली आप जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करिए और कम एज में ही इसको अचीव करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, उसके बाद आती है बारी वो अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट भी 6 अटेम्प्ट तो जनरल कैंडिडेट को है, 9 अटेम्प्ट ओबीसी कैंडिडेट को है, नो लिमिट ऑफ फॉर एससीएसटी। तो कहाँ आपको अटेम्प्ट की समस्या है। ये सारे फियर फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के इंसान उलझा होता है। देयर आर दीज आर ऑल आर इल्यूजंस एंड इमेजेस। इस चीज को समझाने के लिए फिर भी ब्रूस ली का एक और सीन छोटा सा दिखाता हूं कि जो उसको गुरु कहता है कि देयर इज ऑलवेज इल्यूजन इन इमेजेस बिहाइंड व्हिच आर एनिमी हाइड्स, कि अपने को छुपाता है। इमेजेस को तोड़ दो, दुश्मन सामने नजर आएगा, यू कैन डू इट। सिमिलरली अपने हर गोल के पीछे जाल लगी होती है, इमेजेस होते हैं, उस सारे जो मिथ है उसको तोड़ दीजिए, आपके सामने क्लीन नजर आने लगेगा। Has only images and illusions behind which he hides his true motives. Destroy the image and you will break the enemy. Confidence or overconfidence is level tak tha ki main automatically main level pe koi hit karta hu, wo wahi galti apne fight ke dauran kar raha tha kyunki usko एज ए फाइटर ही वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। लेकिन लास्ट में आपने देखा उसको याद आता है, कहता है जब वो मिरर इमेजेस में कन्फ्यूजन इल्यूजन में फंस जाता है, गुरु की बात याद आती है, रिमेंबर देर इज इमेजेस एंड इल्यूजन्स बिहाइंड विच एनिमी हाइड्स, ब्रेक द इमेजेस एंड यू विल ब्रेक द एनिमी। इसको अपने लिए लगाइए, अपने एग्जाम पर लगाइए। और वो ये है कि जब भी आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, एग्जाम देते हैं, एक बहुत बड़ी बाधा इस बात की होती है कि उस लक्ष्य से संबंधित बहुत सारे भ्रम हम पाल लेते हैं, गलत सलाह से भर जाते हैं, सलाहकारों की कोई कमी नहीं रहती और एक बहुत लंबा समय इसी में गुजर जाता है, तैयारी करने के तैयारी में। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ अगला एग्जाम कब देने वाले, बोले सर अभी तो हम जम के तैयारी कर रहे हैं। मेरे कहा जम से तुम्हारा क्या मतलब, कोई गोंद लगा के चिपकना है, क्या है तुम्हारा इधर। आमतौर पे क्या हो, जैसे आप तैयारी करने की सोचते हैं कोई सीनियर दीदी भैया होंगे, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं प्रिपरेशन के बारे में, आप उस प्रिपरेशन को लेकर के जाते हैं कि बता दीजिए क्या पढ़ें। आपका सवाल ये नहीं है कि कैसे पढ़ें, आपका सवाल है क्या पढ़ें। और यदि वो भैया दीदी ने रिसर्च कर रखा है बुक्स को इकट्ठे करने में, बोले आज कोई शिष्य तो मिला, बोले लिखो, अब किताब का नाम लिखना शुरू किए, पॉलिटी में पढ़ना, ज्योग्राफी में पढ़ना, हिस्ट्री में पढ़ना,
लंबा सा लिस्ट बनता जाएगा, आप भी खुश होंगे, इनको इतना साल लगा जमा करने, मुझे तो 15 मिनट में मिलने वाला है, बहुत खुश हो जाएंगे। पर थोड़े देर के बाद आपका टेंशन बढ़ जाएगा कि यदि इतना पढ़ने के बाद इनका नहीं हुआ तो मेरा क्या होने वाला है। फिर ये भी मन में आएगा यदि इतना नहीं हुआ तो नहीं क्या होने वाला है, और दूसरी चीज आएगा कि आखिर हुआ क्यों नहीं, कंफ्यूजन में फिर भी बुक स्टॉल में जाओगे, बुक सेलर के पास जाओगे, बुक सेलर को बोलोगे भैया ये किताब दे दो, मैं बस आईएएस बनना चाहता हूं और पहले अटेम्प्ट में टॉप करना चाहता हूं। अब बुक सेलर वो कहेगा कहां से ले आए तुम लिस्ट, जो है लो मैं दूसरा लिस्ट देता हूं, इस बार के जो टॉपर हैं उनका लिस्ट है, वो पढ़े तब टॉप किए। अब आप फंस गए, इतना मेहनत करके सीनियर से लेके आया और अब किताब दुकान वाला कह रहा है जो टॉपर वो ही पढ़े थे। आप अपने पॉकेट चेक करोगे, करे जो भी कोई बात नहीं भैया तुम दोनों दे दो, एक मोटरी जो है सीनियर जो दिया है उसके लिए और दूसरा मोटरी किताब का जो बुक सेलर बता रहा है। पता चला बहुत समय तक, कई महीने नहीं, कई बार कई कई साल स्टूडेंट को उसका नोट, इसका मटेरियल, उसका टॉपर, उसका कोचिंग का करते 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 पूरी लाइब्रेरी अपने सजा ली। इसी को कहते हैं तैयारी करने के, तैयारी में कई साल जुड़ गए, मेहनत करिए। और एक दिन फिर महसूस हुआ कि भाई इतना तो पढ़ा जाएगा नहीं, तो क्या करें, अगरबत्ती निकालिए, भगवान अब तुम ही बचा सकते हो, या किसी ज्योतिषी के पास चले गए, या कुछ अंगूठी पहनना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इल्यूजन में पढ़ करके सही रास्ते ना चल के बेवजह के हम मेहनत के जाल में फंस गए। 30-32 साल का जो सफर है वो एक ऐसा सफर है जिसमें ये मनुष्य के जीवन में जो पोटेंशियल आपको दिया गया है, जो ब्रेन में ताकत दी गई है, उस ताकत को इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जो एक आपको अपॉर्चुनिटी देगा टू सर्व योर कंट्री। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज भी हमारी बेसिक नीड्स पूरे नहीं हुए, आज भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आज भी गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, आज भी हम बिजली पानी और सड़क की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसी हालत में इस देश में एक भागीदारी निभाने का, डेवलपमेंट में एक स्टील पिलर बनकर करके अपनी योगदान देने का इस कंट्री का अलग ही अनुभव है, एक अलग आनंद है। आप जहां भी होंगे, जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको रिवार्डिंग लगेगा कि मेरी एक कोशिश से यहां ऐसा हो गया, इस इलाके में ब्रिज नहीं था, डिसीजन लिया, अब इतने लोगों की लाइफ बच रही है और जिंदगी बदल रही है, सड़क नहीं थी बन गई, लोगों के रहने के इंतजाम नहीं थे हमने करवा दिया। आप जहां भी होंगे, लॉ एंड ऑर्डर में है, सिक्योरिटी में है, आपको एक बहुत ही रिवार्डिंग महसूस होगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ जॉब नहीं है, एक अवसर है अपने इस मनुष्य जीवन को, मानवता को पूरे पावर में रह करके, पोजीशन में रह करके पूरा करने का, सिर्फ अपने नहीं लिए दूसरे के लोगों के लिए जीने का एक बहुत बड़ा मौका है, जिसके लिए आपके पास सरकारी सुविधाएं और पावर आपको दी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा करियर है नेक्स्ट, जैसे आपकी जो भी पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी आप हैं, आपको अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम इस्तेमाल, चूंकि इसमें इतनी चुनौतियां आएंगी, इतने अवसर आएंगे और साथ साथ में अधिकार दिए जाएंगे कि राउल थ्रू योर करियर आप इवॉल्व करेंगे, ग्रो करेंगे, लगातार आपका एक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। इसमें ये नहीं है कि कल आपकी डिमिनिशिंग होगी, आप हर दिन कुछ नया पढ़ेंगे, नया अनुभव प्राप्त करेंगे, एक नई चुनौती लेंगे, और विद द राइज ऑफ योर पावर, विद द राइज ऑफ योर पोजीशन, यू आर इवॉल्विंग एज ए ह्यूमन बींग, एज इवॉल्विंग एज ए रियल पोटेंशियल पर्सन। ये इस जॉब की 30-32 साल का जो सफर है वो एक ऐसा सफर है जिसमें ये मनुष्य के जीवन में जो पोटेंशियल आपको दिया गया है, जो ब्रेन में ताकत दी गई है, उस ताकत को इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। आपका क्लास इस जॉब में आने के लिए अपर क्लास, मिडिल क्लास नहीं होगा, एक गवर्निंग क्लास में होंगे, अपने कंट्री के गवर्निंग ग्रुप में आप होंगे। योर पार्टिसिपेशन विल बी डेवलपिंग द गवर्निंग पावर ऑफ द स्टेट। क्लास, स्टेटस, एक अलग पहचान परिवार के लिए, फैमिली के लिए, दैट इज द पावर। सो हियर दिस इज अ क्लास, स्टेटस एंड एक पावर, आपको अपने काम को निभाने के लिए, किसी को पूरा करने के लिए आपको एक पावर दिया जाता है, एक आपको सुविधाएं दी जाती है। एक डिप्टी कमिश्नर किसी डीसी एक डिस्ट्रिक्ट का कितने पैसे एक साल में दिया जाता है आपको मालूम है? 500 से 600 करोड़ रुपए एक डीसी के हाथ में होता है एक डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए।
जो आप किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते थे सीईओ बनने के बाद 20 साल के बाद शायद उतनी बड़ी कंपनी चला रहे होंगे। एक डिप्टी कमिश्नर के एक साल में खर्च करने के 500 से 600 करोड़ होता है। मैं अपने कई बार स्टूडेंट से अपने पूछता हूँ कि इस बार तुमने कितने खर्च किए, कई लोग से जवाब मिलता है अक्सर 500 करोड़ था, हमने सिर्फ 350 करोड़ खर्च किए। हमने कहा भाई 150 करोड़ क्यों नहीं किए। मेरा अनुमान है, मेरा मानना है, इंडिया आज तक पूरा हम डेवलप्ड इसलिए नहीं हो पाए, इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी थी, इसलिए क्योंकि हम उसको टाइम पे खर्च करके हम अपना सही टाइम पे प्रोग्रेस कर नहीं पाए और हम अपना हमेशा डेवलपमेंट को आगे पोस्टपोन करते जा रहे और हमेशा हमारी प्लानिंग फेल होती रही। हमारी इम्प्लीमेंटेशन यदि टू द पॉइंट होती, रिसोर्स को इसका सही इस्तेमाल करते तो कितना बड़ा पावर। आज अब जब इस जॉब में जाएंगे और आप इस भावना से जाएंगे कि जो भी रिसोर्सेज मुझे दिया जाएगा उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूंगा और जो टारगेट दिया जाएगा उसको मैं पूरा करूंगा, तो आप सोचिए कितना रिवॉर्डिंग और कितना सुखद आनंद आपको होगा कि मैंने इस इलाके में इतना डेवलपमेंट अपने कार्यकाल में कर दिया। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.